भाई आप लोग सोच सकते हो ये तुम्हारा भाई ने क्या हालत हो रखा है। ये चेक करो जी, इनर जैकेट वगैरह और सब कैप वगैरह पहन के तुम्हारा भाई बैठ चुका है। और अभी का बज रहा है 8:37, और तुम्हारा भाई अभी आज इतना जल्दी खाना वगैरह खा के दवाई वगैरह पी चुका है भाई। लिटरली बहुत ही मेरे को ना सर पे इतना पेन हो रहा है और ऊपर से मेरा शरीर इतना गर्म हो चुका है भाई। एक सेकंड में टेम्परेचर में मशीन जो है ना भाई वो चेक करवाता हूँ। एक सेकंड, थर्मोमीटर, सॉरी भाई, टेम्परेचर में बोल रहा हूँ भाई, थर्मोमीटर जो मशीन है ना है हमारे पास। एक सेकंड रुको जरा, और यही कुछ मिल चुका है थर्मोमीटर। मैं फिलहाल लगाता हूँ और चेक करवाता हूँ भाई लोगों। और भाई हाथ पे जो नेल पॉलिश वगैरह लगाया था ना, ये चेक करो कैसा लग रहा है भाई, बहुत ही गंदा सा। और भाई फिलहाल तो ये चेक करो मेरा कितना दिखा रहा है, अभी भी बढ़ते जा रहा है। ये चेक करो 95.15 लगभग बढ़ते जा रहा है। ये चेक करो जी भाई, लो भाई साहब अभी भी बढ़ते जा रहा है। और भाई लोगो ये चेक करो 96.2 हो चुका भाई, बढ़ते जा रहा है भाई। ये चेक करो साइड से एफ दिखा रहा है, जो क्या बोलते हैं मेरे को लिटरली पूरा पता नहीं है उसके बारे से डिटेल्स में भाई। कहाँ अचानक ना तुम्हारा भाई ने शाम को ही बस नहाया था इसीलिए भाई सर पे इतना पेन। मैं तो फिलहाल सोने वाला हूँ और सुबह मिलते हैं आराम से भाई फटाफट से। सुबह का बज रहा है 9:48 हो तुम्हारे भाई का हालत फिलहाल तो और भी वेरी डेंजरस हो चुका है। क्योंकि भाई कल रात को ना मेरे को क्या क्या हो रहा था भाई, लिटरली मैंने बोला था मेरा जब बुखार आ रहा था ना भाई उसी टाइम कल रात का ही चेक कर लो पहले। और अभी तो मैंने ये जो इनर जो था ना भाई लोग, ये अभी मैंने खोला है और मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब हो रहा है, बहुत ही ख़राब हो रहा है। हमारा बिस्तर का हालत ये चेक करो जी, सब उठा करके ले जा चुके हैं मौसी भाई। कल रात को ना मैं एक बार उसी साइड सोता हूँ, एक बार उसी साइड, एक बार उसी साइड, भाई ऐसा मेरा हालत हो रखा था, वेरी डेंजरस भाई लोग। और फिलहाल तो मैं खिड़की के सामने बैठ के ब्लॉक कर रहा हूँ क्योंकि उसी साइड पे रोशनी वगैरह बहुत ही कम है। और सर पे इतना पेन हो रहा है भाई और पूरा मेरा शरीर पे ना बहुत ही वेरी डेंजरस वाला पेन हो रहा है भाई लोग। पीठ पे ना इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है मैं। और हमारा जो आज का जो ब्लॉग था ना भाई वो मैंने सुबह उठ के बस एडिट किया है और एडिट करने के बाद छोड़ा है क्योंकि कल रात को मेरा इतना हालत ख़राब हो गया था, इतना हालत ख़राब हो गया था मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था ऐसा भाई लोगों। भाई कल रात को ना मैं उठ के पानी भी नहीं पी सकता था भाई लोग, ऐसा तुम्हारे भाई का हालत हो रखा था। कल रात को दवाई भी खाया था लेकिन कुछ दवाई का कुछ असर नहीं हुआ। अभी फिलहाल खाना वाना खा के और दवाई पिया है, पूरा मुंह वगैरह ना पूरा क्या क्या भाई एकदम सा क्या बोलूँ ऐसा हालत हो रहा है मुंह का कुछ खाने से ऐसे नमकीन क्या बोल रहा हूँ भाई लोग, पूरा क्या बोलते हैं कुछ करोला वगैरह खाने से ऐसा जैसा हालत होता है ना वैसे ही हालत हो रखा है हमारा मुंह का सच में। अभी दवाई खाया है, दवाई खाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे उसके बाद आराम से मिलते हैं भाई लोग। चलो कोई बात नहीं। और कल रात को ना मैं पूरा ये इनर वगैरह और टोपी वगैरह पहन के पूरा मैं लेटा हुआ था और पैर पे सॉक्स वगैरह डाल के पूरा सो रहा था भाई। एक थोड़े बाद में गर्म लगता है, थोड़े बाद में ठंड लगता है, ऐसा हालत कर रहा था। और इतना मैं चिल्ला रहा था जानते हो रात को भाई लोग, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। और पापा लोग भी घर पे नहीं थे, पापा लोग गए थे ड्यूटी पे नाइट पे, उन लोग का कुछ बीडीपी वाला कुछ ड्यूटी होता है उधर पे गए थे। और चलो कोई बात नहीं, आराम से बाद में मिलते हैं भाई लोग। 3:59 और तुम्हारा भाई फिलहाल तो ये चेक करो जैकेट वगैरह हाफ जैकेट पहन के वैसे ही निकल चुका है थोड़ा बहुत गाय वगैरह लाने के लिए। और अंकल और पापा लोग रानी घाट पे गए हैं थोड़ा बहुत, तो वो फिशिंग मैन बन चुके हैं पापा लोग इसीलिए भाई। चलो कुछ बात नहीं, ऐसे ही बस ऐसे ही मछली पकड़ने के लिए गए हैं। और मैं तो फिलहाल जा रहा हूँ भाई लोग गाय लेने के लिए। और तुम्हारा भाई का जो अभी का जो सिचुएशन जो है ना गाइस बहुत ही ठीक ठाक है, पहले से सुबह से तो बहुत ही अच्छा है भाई।
उसी टाइम सुबह तो दवाई वगैरह पिया था, तब भी कम ने कहा भाई सर पे बहुत ही पेन हो रहा है, और पीठ पे ना भाई लोग का बोल रहे बहुत ही पेन हो रहा है, और धूप लगने के बाद ना शरीर को थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, और हमने तो दोपहर को नहाया भी नहीं है, और शरीर पे थोड़ा बहुत क्या सर पे थोड़ा बहुत पानी वगैरह दिया था। और आज हम लोग वो जो बाजार पे जाके हम लोग जो पर्ची वगैरह छाप के जो पैसा काउंटिंग करते ना वही है भाई लोग, और जाएंगे और धूप कैसा आ रहा है, और हमारा शक्ल चेक करो पूरा रेड रेड हो रखा है ना, ये चेक करो सनसेट होने वाला है थोड़े बाद में बस, और इधर से व्यू चेक करो जी बहुत ही अलग ही लेवल का हो रहा है, और गाय तो शायद वही और वही है। चलो फटाफट से जाते हैं और लेके आते हैं भाई लोग, और कैसा लाल लाल हो रखा है भाई, और मेरे साथ जाएगा आज रोतीश, रोतीश को भी बोल दिया क्योंकि पैसा तो बाजार से उठाना पड़ता है, और भाई लोग अचानक मैं शेल पे कुछ कर दिया तो उसी के लिए इसी को ले जा रहे हैं, और बस वही घर पे था इसी के इसी वही कुछ बजा था, और चलो फटाफट से चलते, और मेरा मुंह से जो जो बात निकल रहा है ना भाई लोग सच में दमदार वाला बात नहीं चल रहा है सच में, और मेरे आग देख तो कैसा भूजा भूजा हो के, ये चेक करो मेरा आग भी लाल लाल दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, ये कुछ बुखार का वैसे ही कुछ क्या बोलते हैं वैसे ही कुछ बुखार आने से वैसे ही हो जाता है। फटाफट से चलते हैं और गाय लेके चलते हैं, और उम्मीद करते हैं आज का ये छोटा मोटा सा हम लोग आप लोग को अच्छा लगेगा। और उसके पहले और एक बात बोल देता हूँ भाई, मैंने ना जो वीडियो वगैरह एडिट करके डाला था ना भाई, सच में मेरे को तो आज तो व्लॉग ही करने का मन नहीं था, आप लोग सोच सकते हो व्लॉग ही करने का, और वही कुछ तुम्हारा भाई मुश्किल वगैरह छीन कर व्लॉग वगैरह करता है भाई लोग, आप लोग का सपोर्ट भी नहीं मिलता है क्या करें भाई लोग, चलो कुछ बात नहीं हम तो लोग करेंगे भाई लोग जो भी हो जाए भाई, बुखार हो जाए या तब भी करेंगे, और उम्मीद करते हैं आज का लोग आप लोग अच्छे लगा अच्छा लगे से जरूर कमेंट पे जरूर बोलना, और मिलते हैं नेक्स्ट लोग में, टेक यू सी यू और गुड बाय, उठ जाए जय भाई।